हेलो फ्रेंड्स, मामीज ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे बिल्कुल बाजार जैसे छोले भटूरे बनाने के लिए, छोले आप अपने आप घर पर कैसे बनाएं। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से घर में और बिल्कुल जल्दी से झटपट रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें बाजार जैसे छोले बनाने के लिए मदद करेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स को अब हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर दो मोटे प्याज लिए थे जिसे आप या तो बारीक बारीक काट सकते हैं या आप कद्दूकस कर सकते हैं या आप मिक्सी में उसका पेस्ट बना सकते हैं। तो मैंने मिक्सी में उन्हें पीसा है थोड़े से दरदरे, दो मोटे प्याज। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टमाटर। टमाटर आप जितने प्याज लें उससे एक फालतू टमाटर लें। यहाँ पे मैंने तीन मोटे टमाटर लिए थे और इस टमाटरों को भी मैंने अच्छे से धोने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद ये है मेरे मैजिक मसाला मिक्स। इसमें हम लेंगे थोड़ी सी, ज़रा सी, एक चम्मच के करीब हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, एक थोड़ी बड़ी चम्मच आपको लाल मिर्च पाउडर लेना है, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच अनारदाना पाउडर, ये मस्ट है, अनारदाना पाउडर छोले की रेसिपी में ज़रूर डलेगा। और क्योंकि हम छोले बना रहे हैं इसलिए जो हमारा इंग्रेडिएंट है मेन वो है छोले मसाला, दो बड़े चम्मच छोले मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपको MDH का पसंद है तो MDH का, हल्दी कोई और ब्रांड का पसंद है तो आप वो वाला ले सकते हैं। तो ये है मेरे पांच मेन मसाले जो कि छोले की रेसिपी में डलेंगे। पिसे हुए मसालों के बाद नंबर आता है खड़े मसालों का, और तीन मेन खड़े मसाले लिए हैं मैंने। थोड़ी सी दालचीनी, थोड़े से पीसेस, 4 से 5 लौंग और 2 बड़ी इलायची आपको लेनी है। ये तीनों खड़े मसाले आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको लेना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को छोटे कद्दूकस से कद्दूकस किया है क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा बेटर फ्लेवर अच्छा लगता है। 2 बड़े चम्मच ऑयल आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आप कुकर में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप उसमें अपने प्याज डालिए। ये याद रखिएगा कि प्याज जो है यहाँ पर मेन की रोल प्ले कर रहे हैं इस डिश का, इसलिए आपको प्याज को अच्छे से भुनना है जब तक वो अच्छे पिंकिश कलर के बाद ब्राउनिश ना हो जाए। जब वो पिंक कलर के हो जाएंगे तो उसमें हम डालेंगे हमारे जो खड़े मसाले हैं वो, यानी कि दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची। इस टाइम पर ये खड़े मसाले डालने से जो फ्लेवर आएगा वो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हमने प्याज और फिर खड़े मसाले उसको अच्छे से हम भून लेते हैं। देखिए अब हमारे जो प्याज है उनका कलर जो है वो थोड़ा सा और जो है डार्क पिंक हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके प्याज हैं वो लगने शुरू हो गए हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा पानी डालिए आप और उसको और थोड़ा सा भुनना है जब तक वो थोड़े से ब्राउनिश ना हो जाए। जब आपके प्याज अच्छे से भुन जाएंगे अब हम उसके अंदर डालेंगे जो हमारा अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है उसे। इस टाइम पर जब आप अदरक और लहसुन का जो पेस्ट इसके अंदर डालेंगे उसका स्वाद अलग होगा, या जब आप पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे उससे। आप इसमें पिसे हुए टमाटर भी डाल दीजिए और आपको पूरे छोले की रेसिपी में, यानी कि छोले में आपको जितना भी नमक रखना है अपनी डिश में वो सारा नमक आप इसी टाइम पे डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच जो है नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक लीजिए। और टमाटर डालने के बाद, नमक डालने के बाद आप अच्छे से इसे घुमा लें, अच्छे से अपने टमाटरों को भून लें। और साथ में अब मैंने जो 5 रत्न अपने जो मसाले के थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। और इस टाइम पे क्या खुशबू उठेगी छोलों में से वो आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तभी आप फील कर पाएंगे। अपने मसाले को बहुत अच्छे से भून लीजिए। मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला मेरा ऑलमोस्ट भुन गया है, बिल्कुल तैयार है। और क्या खुशबू आ रही है। ये है मेरे छोले जिन्हें मैंने 12 घंटे पहले से सोख करके रखा था, पानी में भिगो कर रखा था। नॉर्मल छोले हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं है। अब ये छोले जो हैं मैं अपने कुकर में डाल दूँगी जिसमें मैंने अपना जो है तड़का तैयार करके रखा हुआ है।
और आप ये याद रखें कि पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है छोलों के साथ, क्योंकि जो छोले भटूरे वाले जो छोले होते हैं वो बहुत ज़्यादा गीले नहीं होते हैं, तो सिर्फ इतना पानी कि आपके छोले जो हैं वो उसमें डूब जाएँ। एक पैन में मैंने एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच जो चाय की पत्ती होती है उसे अच्छे से उबाल कर तैयार कर लिया है। उसे कप में छान कर अब मैं इस छोलों में डाल रही हूँ, कुकर में डाल रही हूँ आपके सामने। बस इतना पानी सफिशेंट है, इससे ज़्यादा पानी ना रखें आप। मिक्स को अच्छे से मिला लेते हैं और अब है मेरा एक मैजिक इंग्रेडिएंट जो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो जब कुकर में जब पकेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, वही सेम टेस्ट जो मार्केट में आता है। पर आपको ये याद रखना है कि जैसे ही इसमें झाग उठने लगेंगे आपको उसी टाइम कुकर की लिड को बंद कर देना है और 2 से 3 सीटीज को देनी है मीडियम फ्लेम पर। गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ अदरक के लंबे लंबे पतले पतले पीसेस और हरी मिर्च काट के रखी है, खीरा काट के रखा है, आम का अचार काट के रखा हुआ है। तो ये है मेरा सर्व करने के बाद छोले कैसे दिख रहे थे। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, बहुत आसान है और अगर आपके सारे इंग्रेडिएंट्स हैंडी हैं रेडी हैं तो आपको छोले बनाने में 15 से 20 मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए ये रेसिपी बनाकर कि आपको ये छोले कैसे लगे। थैंक यू।